हे टू एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल HOD। बिहार का कैपिटल पटना, जहां की एक फेमस फूड डिश लिट्टी चोखा, जो कि पूरे इंडिया में फेमस है और इंडिया के साथ साथ विदेश में भी लिट्टी चोखा को पसंद किया जाता है। पटना में चार नदियों का संगम है, जो पटना को एक पवित्र शहर बनाता है। पटना शहर कोई अभी अभी बना हुआ शहर नहीं है। इस शहर का जो इतिहास है वो लगभग 490 से 500 ईसा पूर्व का है। तो इस चीज को समझ के आपको पता लग ही गया होगा कि हम आज के वीडियो में पटना की बात करने वाले। प्राचीन पटना का जो नाम था वो पाटलीग्राम या फिर पाटलीपुत्र हुआ करता था। पटना शहर पहले सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित था। दरअसल जो पाटलीग्राम है, वहां पर गुलाब की खेती की जाती थी और इन्हीं गुलाबों से इत्र, दवा जैसी चीजें बनाकर उनका व्यापार यानी बिजनेस किया जाता था। इसलिए इसका जो नाम था वो पाटलीग्राम हो गया था। पटना का जो इतिहास है वो 500 से 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है। पटना का नाम कई राजाओं द्वारा चेंज किया गया, जैसे कि पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पाटलीपुत्र, अजीमाबाद एट्सेट्रा, जो अब पटना है। कहा जाता है कि पाटलीपुत्र यानी पटना की जो स्थापना थी वो अजात शत्रु ने की थी। शायद इसलिए पटना शहर अपनी प्राचीन पाटलीपुत्र के साथ अटूट रूप से बंधा हुआ है, जिसके ग्रीक इतिहास में पाली बहुत्र का उल्लेख है, जो शायद पाटलीपुत्र का ही है। अजात शत्रु, जिन्होंने पटना शहर को कई आक्रमणों से बचाया था, जिन्होंने तीन नदियों द्वारा संरक्षित एक प्राकृतिक नदी का किला मिला था। अजात शत्रु के जो पुत्र थे, उन्होंने वहाँ की राजधानी को राजगढ़ से चेंज करके पाटलीपुत्र कर दिया। और ये जो सिचुएशन थी, ऐसी लगभग मौर्यों और गुप्तों के शासनकाल तक बनी रही। फिर यहाँ से अशोक महान ने अपने साम्राज्य की स्थापना की और अपना साम्राज्य आगे बढ़ाया। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और समुद्रगुप्त थे, उन्होंने पाटलीपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार किया था। इसी शहर से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों और हूणों को यहाँ से खदेड़ दिया था। और तीसरी शताब्दी में प्रसिद्ध यात्री फाहान और सातवीं शताब्दी में हैनसोंग ने इसी शहर का जो था निरीक्षण किया था। कौटिल्य जैसे कई विख्यात विद्वान यहाँ पर रहे और यहाँ से अर्थशास्त्र जैसी रचनाएं लिखी। जो प्राचीन पटना था, उसने हमें बहुत कुछ दिया है और आज भी बहुत कुछ दे रहा है। जो पटना शहर था, वहीं पर औरंगजेब के पोते राजकुमार अजीम उस्तान ने 1703 में पटना शहर के राज्यपाल के रूप में आए थे। शायद इन सभी वजह से पटना शहर इतना फेमस है। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो कि पटना शहर को खास बनाते हैं, चलिए उन्हें जानते हैं। जो पटना सिटी है, पटना शहर का जो नाम है वह देवी पाटनी के नाम पर। पटना में कालिदास, चाणक्य, आर्यभट्ट, पाणिनि और वात्स्यायन की जन्मभूमि व कर्मभूमि रही है। देश के सबसे ज्यादा IAS भी पटना शहर से ही बनते हैं। पटना शहर का भारत की आज़ादी में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा रोल रहा है। वर्ल्ड का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा लार्जेस्ट पुल है, वो भी पटना में है, जो कि 5575 मीटर लंबा है और जिसका नाम महात्मा गांधी सेतु है। भारत की एकमात्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनलैंड सेलिंग वह भी पटना में है, जो कि गायघाट में है। ये कुछ चीजें हैं जो कि पटना शहर को और पटना के इतिहास को इतना खूबसूरत बनाती हैं। आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल HOD। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस।